मॉर्निंग दोस्तों, और ये है गुजनपुर छोटा सा मार्केट, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ज़रूरत की हर छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो मैं सिटी तरफ जा रहा हूँ। गुजनपुर जो है थोड़ा सा आउटर में है। आप अगर वाटर पार्क आए होंगे तो गोदनपुर जरूर जानते होंगे। अगर आप आसपास के अंबिकापुर के हैं तो गोदनपुर जरूर जानते होंगे। तो ये जो मैं अभी निकल रहा हूँ, ये अभी मैं प्रतापपुर रोड को पकड़ूँगा और अंबिकापुर तरफ जाऊँगा, क्योंकि प्रतापपुर नाका से होते हुए हमें अंबिकापुर सिटी को ले जाएगी। और पता नहीं, मैं पहली बार ये ट्रायल कर रहा हूँ तो ये कैसा व्यू और कैसा वीडियो बन रहा है, अब देखने के बाद ही मुझे समझ में आएगा। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, सुबह का समय है, 9:45 हो रहा है, लगभग 9:45 का समय है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ सिटी तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ रहती है, ध्यान देके अपन को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि सिटी तरफ से जो ये प्रतापगढ़ तरफ जाती है बहुत सारी गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में होती है। ये 4 लेन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रोड है। ये महेश्वर कॉलोनी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और बाएं तरफ आप अगर देख रहे होंगे, ये वन विद्यालय, ये पूरा वन विभाग का क्वार्टर, ऑफिस और कॉलेजेस वगैरह। दाएं तरफ ये KR स्कूल कॉलेज, सॉरी KR कॉलेज, यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज है, तो हर तरह की चीज़ों की पढ़ाई होती है। और शायद आप जानते भी होंगे, KR टेक्निकल कॉलेज ऐसा बोल सकते हैं कि सिटी के बीचों बीच ही है। अब अंबिकापुर छोटा सा जगह है, संभाग भी है, सरगुजा संभाग में आता है, वहाँ का केंद्र है, जिला का भी केंद्र है, अंबिकापुर सिटी का नाम है। और यहाँ से आप देखिए, एग्रीकल्चर का एरिया, वाटर ऑफिस शुरू हो गया है बाएं तरफ। तो आप मेरे साथ ब्लॉग बने रहिए और ब्लॉग का आनंद लीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ रुक के देखा तो थोड़ा सा व्यू जो है नीचे आ रही, मतलब रोड का ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊंचा किया हूँ, मोबाइल को थोड़ा सा और ऊपर किया हूँ। तो चलिए, आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और ये जो मैं ट्रायल कर रहा हूँ, तो उसका देखता हूँ ट्रायल कैसा रहता है। अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ का सुंदर सिटी में गिना जाता है। और यहाँ ठंड बहुत रहती है, आप मैन पार्ट का नाम जरूर सुने होंगे, बहुत कोई आए भी होंगे। ये पंचानन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ दाएं तरफ, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो मैं ये बता रहा था कि काफ़ी सुंदर सिटी है, ग्रीन सिटी है और साफ सुथरी, यहाँ प्रदूषण बहुत कम है। पठारी इलाके के ऊपर है, तो आप अगर सूरजपुर जाते होंगे, सूरजपुर जाते होंगे तो आप देखते होंगे, आपको पहाड़ दिखता होगा। तो ये मैं अभी
प्रतापपुर नाका पहुंच रहा हूं। ये प्रतापपुर नाका है, यहां से अगर आप दाएं तरफ निकलेंगे, किस तरफ निकलेंगे तो ये आपको सीधे गांधी चौक तरफ लेके जाएगी, मिशन चौक। अगर आप इधर बाएं तरफ निकलेंगे तो ये आपको मेरेन ड्राइव होते हैं पुलिस लाइन तरफ निकालेगी, रिंग रोड है ये। और अगर आप सीधे जाते हैं तो ये गुडरी मार्केट तरफ आपको निकालती है। तो मुझे जाना है सीधे, चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। प्रतापपुर नाका, काफी दुकानें हैं यहाँ पे। तो अंबिकापुर जो है सरगुजा जिला की राजधानी है और यहीं पे जिला का केंद्र है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, PEIC है, जिसको पिछले अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोलते हैं, जो कि हर संभाग में एक दिव्यांग बच्चों का यहाँ एक शासकीय विद्यालय भी है। और ये संभाग होने के कारण यहाँ पे हर चीज़ों की सुविधा है। अब देखिए सामने में इलेक्ट्रिक स्कूल, इलेक्ट्रिक ऑटो जा रहे हैं और आजकल इसी का ज़माना है, ये दूसरी आई। और इसके सामने में देखिए और एक, ये काफ़ी सस्ती भी है और पेट्रोल भी नहीं खाती है, 1.5-2 लाख में आ जाती है। तो उस पर चढ़ने वाले को भी सुविधा होती है, कम पैसे में कहीं भी चले जाते हैं। और जो चलाते हैं 100 के जगह 50 में भी चले जाते हैं, 20 के जगह 10 के भी चले जाते हैं। इसमें जो है पेट्रोल लगने के लिए तो ज़्यादा तनाव की जरूरत नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा गति को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे चलते रहे समय बहुत लग जाएगा। और ये बाएं तरफ जनपद पंचायत, ब्लॉक लेवल का जो जनपद पंचायत होता है कार्यालय, बाएं तरफ अभी क्रॉस किया और काफी आगे बढ़ रहा हूँ। विद्या मंदिर दाएं तरफ क्रॉस किया हूँ और शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा सामने लगाया हूँ। स्पेक्टेटर्स, तमाम स्पेक्टेटर्स, गुड पॉइंट, सिटी डेंटल हॉस्पिटल, अंबिकापुर टाउन, अली बिरयानी सेंटर, सलमान मोबाइल, श्री स्टेशनरी, श्री किराना होटल, शायद ये सारे क्रॉस करते हैं आगे बढ़ा। रेल को का जो स्कूटी बाइक और ऑटो आते हैं, जसवाल मेडिकल तो और ये मिश्रा होटल से आगे बढ़ रहा हूँ दाएं तरफ है। और ये देखिए आप, ये है गुडरी बाजार। सीधे आप जाएंगे तो गुडरी बाजार होते हैं जहाँ आएंगे, परंतु मैं पुरानी बस स्टैंड तरफ से निकलना चाह रहा हूँ तो मैं दाएं तरफ होगा। यहाँ से फिर मैं बाएंगा लक्ष्मी मोबाइल, रमेश फर्नीचर, गीता प्रिंटर, लक्ष्मी नारायणा हॉस्पिटल, सुधा साड़ी सेंटर, जो जो मुझे दिख रहा है मैं पढ़ते जा रहा हूँ।
को बताते जा रहा हूँ कि मैं किस रोड से गुजर रहा हूँ। माइल स्टोन नर्सरी स्कूल अभी क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ जाए तो मंडली कुछ बदलाव कर रहे हैं और रोड को जाम करके रखे हैं। आप देखते हैं बाएँ तरफ और ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक क्रॉस कर रहा हूँ। स्कूल प्ले स्कूल महामाया डेंटल और सुतरा रेडीमेड महामाया सारी हाउस रोड के नाम से जानते हैं इसको। और मैं सीधे जा रहा हूँ ब्रह्मा रोड में पढ़ते जा रहा हूँ अमृत सामने पहला बाएँ तरफ ले रहे होंगे मुकेश कंप्यूटर दुकानों का भंडार है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ इसलिए कि बात करते करते बस स्टैंड क्योंकि यहाँ पर बसेस नहीं लगती है। आप देखिए बाएं तरफ
कुछ कुछ बसें लगी थी। तो मैं बता रहा था कि ये फल मार्केट थोक मार्केट है, तो सुबह सुबह लोग आते हैं फलों को लेने, इस वजह से यहाँ पे जाड़ गई। पूर्व तो किस बाएँ तरफ में गुजर रहा हूँ, ये यहाँ से फल मार्केट शुरू होती है। आप पता नहीं आपको विजुअल आ रहा होगा कि नहीं, आप देख रहे हैं। मैं जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज तरफ बाएं हो गया हूँ, और मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय करके देखिए। फिर आपको घुमा रहा हूँ, अगर दाएं तरफ करते तो आपको यूनिवर्सिटी, अंबिकापुर की यूनिवर्सिटी है, और उसके बगल में CMHO ऑफिस। तो मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ डॉक्टर हाउस माता राज रानी हॉस्पिटल टू, चलिए ये दो हॉस्पिटल हैं क्या, दूसरा हॉस्पिटल है। और ये फिर मैं यहाँ से दाएँ तरफ जगदीश मेडिकल एजेंसी हॉस्पिटल गैलेक्सी पार्क है, और ये शासकीय कन्या उत्तर मध्य विद्यालय मधुपुर वार्डन को माइक रखा, और यहाँ से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाती है, जिला अस्पताल शुरू हो जाती है, दोनों तरफ बाएँ तरफ जिला चिकित्सालय का बोर्ड भी आप कहते हैं। तो नहीं सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ,